श्रीलंका के खिलाफ भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान, शिखर धवन बने कप्तान। बीसीसीआई ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को कप्तान बनाया गया। वहीं भुवनेश्वर कुमार को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं टीम में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया। आपको बता दें, टीम इंडिया 13 से 25 जुलाई के बीच श्रीलंका में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों को खेलेगी। वनडे मुकाबले 13, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले 21, 23 और 25 जुलाई को होंगे। सभी मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। श्रीलंका दौरे पर भारत की दूसरी टीम होगी, ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब भारत की दो टीमें एक ही समय में दो अलग अलग देशों में खेल रही हो। विराट कोहली की अगुवाई वाली टेस्ट टीम इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की तैयारी कर रही होगी। टेस्ट टीम 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथैम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए पहले ही ब्रिटेन पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला 4 अगस्त से शुरू होगी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से है। शिखर धवन कप्तान है, भुवनेश्वर कुमार जो है वो कप्तान है, पृथ्वी शॉ, देवदंत पंजीकल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के गौतम, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चाहर, नवदीप सैन, चेतन सकारिया। वहीं नेट गेंदबाज कुछ इस प्रकार से हैं। ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर, समरजीत सिंह।